हेलो फ्रेंड्स, बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो यूडीसी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकली हुई थी उसकी प्रोविजनल स्क्रीन इन एंड स्क्रीन आउट कैंडिडेट्स की जो लिस्ट जारी की गई थी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और आपके एग्जामिनेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके का आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाली है। तो ये रहा वो नोटिस जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यूडीसी यानी अपर डिविजन क्लर्क 2019 का। आज है 8th of July 2019 और आज जो है ये लास्ट डेट थी जिनके नाम जो है इस लिस्ट में नहीं है, तो उन कैंडिडेट को यहाँ पे मेल करना था। अगर 88,000 कैंडिडेट्स का यहाँ पे पेपर वन होने जा रहा है और पेपर वन में जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर जाएंगे उनका होगा यहाँ पे पेपर टू। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 88,000 कैंडिडेट्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है टू अपियर्ड इन फेज वन एग्जामिनेशन। जो फेज वन का एग्जामिनेशन होगा उसमें तकरीबन 88,000 जो कैंडिडेट है वो कॉम्पीट करने वाले हैं। अगर यहाँ पे बात करेंगे, कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पे डिसक्वालीफाई भी किया गया है, उनका रीजन यहाँ पे दिया गया है नॉट फुलफिलिंग एज क्राइटेरिया और डुप्लीकेट अगर अप्लीकेशन आपने किए होंगे तो आपका नाम यहाँ पे रिजेक्टेड कैंडिडेट्स के लिस्ट में यहाँ पे आया होगा। बट अगर आपका यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में अगर नाम है, जैसे कि ऊपर अगर हम लोग लिस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे डुप्लीकेट अप्लीकेशन के वजह से काफी कैंडिडेट को यहां पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, अगर आप स्क्रीन इन कैंडिडेट्स में से अगर हो, 87,841 कैंडिडेट्स को यहां पे स्क्रीन इन किया गया है टू अपियर इन पेपर वन। तो यहां पे हम लोग पेपर वन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये एक ईबुक है जिसमें आपको स्कैन पेपर सेट मिल जाएंगे और मॉडल प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। यहां पे पूरी डिटेल्स यहां पे दी गई है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहां पे देख पाओगे ये इंडेक्स पेज है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस की अगर बात करेंगे तो 350 नंबर ऑफ पेजेस यहां पे आपको मिल जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। लेवल वन, जो आपका लेवल वन एग्जामिनेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। लेवल वन जो होगा आपका क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, सिर्फ आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा ये, ठीक है। और जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर जाएंगे लेवल वन एग्जामिनेशन में उन कैंडिडेट्स का होगा यहां पे लेवल टू एग्जामिनेशन, जो कि होगा डिस्क्रिप्टिव रिटन एग्जामिनेशन। उसका पेपर सेट भी आपको इस ईबुक में मिल जाएगा, ठीक है। लेवल वन एंड लेवल टू सारे पेपर सेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन दिया गया है कि किस तरीके का आपका एग्जामिनेशन होने जा रहा है और यहाँ पे आपको किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके बारे में आपको एक आइडिया दी गई है और नीचे आ जाना है आपको। और यहाँ पे जैसे कि आप देख पाओगे स्कैन पेपर सेट आपको मिल जाएगा, ओल्ड बार्क का स्कैन पेपर सेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा यूडीसी पोस्ट के लिए। साथ ही साथ आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट भी मिल जाएंगे और यहाँ पे पेपर टू का पेपर सेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर इस ईबुक को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दी गई है, वहां क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। एक छोटी सी अमाउंट पे करके आप इस पेपर सेट को, इस ईबुक को डाउनलोड कर सकते हो। अगर बात करेंगे आपके एग्जामिनेशन डेट की तो आज है 8th of July 2019। 2 से 3 दिन में यहाँ पे आपको ऑफिशियल कोई नोटिस देखने को मिलेगा क्योंकि आज की लास्ट डेट थी ईमेल करने की। तो जल्दी आपको कोई नोटिस देखने को मिलेगा जिसमें एग्जामिनेशन डेट के बारे में यहाँ पे रिवील किया जाएगा कि आपका पेपर वन पेपर टू एग्जामिनेशन की डेट क्या होगी। तो ये था गाइस एक अपडेट, काफी सारे कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं एग्जामिनेशन डेट का। तो उन सभी कैंडिडेट से कहना है कि 8th of July जो कि आज की डेट है तो जल्द से जल्द यहाँ पे आपको कोई नोटिस देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन डेट से रिलेटेड। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे हो सकता है। तो जल्द से जल्द आप आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। पेपर सेट बाय करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट होगा, कुछ पूछना होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो या फिर फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइज़।